डॉक्टर साहब, पेशेंट कैसे? तुम अपनी बीवी के लिए और अपनी बच्ची के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकते? कुछ करेज दिखाओ यार। इस कंडीशन में आपकी पेशेंट है, उसके लिए बर वक्त गिजा और दवा बहुत जरूरी है। थोड़ी सी गफलत भी जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। आप लोग दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत संभल जाए। मायरी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, फाखिर ऐनी की काफ़ी फिक्र करता है और वो ऐनी के लिए घर के कामों के लिए एक मुलाजमा भी रख लेता है ताकि वो ऐनी का कुछ हाथ बिटा सके और ऐनी को घर के कामों से कुछ फुर्सत मिले और वो आराम करे। ऐनी घर वापस आती है तो वो देखती है कि मुलाजमा घर के काम कर रही होती है, जिसे देख कर ऐनी काफ़ी हैरान होती है और ऐनी जाकर उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जिस पर वो बताती है कि मुझे फाखिर साहब ने घर के कामों के लिए बुलाया था। यह सुनकर ऐनी काफ़ी हैरान हो जाती है और उसकी मोहब्बत फाखिर के लिए मज़ीद बढ़ जाती है कि फाखिर उसकी कितनी फिक्र करता है और उससे कितनी मोहब्बत करता है। नाज़रीन, मायरी ड्रामे के आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना मत भूलिएगा।